इलियास अहमद ख़ान 21 साल है और उसका दोस्त सैयद अली, दोनों मिलके फलकनुमा ब्रिज से, वो लोग शालीबंडा में रहते, शालीबंडा से लेके इधर आ रहे थे अपने चंद्रानी मुठा की तरफ। तो वो लोग को दो बाइक्स पे कुछ लोग फॉलो करे, फॉलो करने के बाद वहाँ से डर के वो लोग भंडागुड़ा की तरफ गए। तो भंडागुड़ा में भी वो लोग पीछा करे और जब वो लोग नूरी फंक्शन हॉल के पास पहुँचे, जब लात मार के इन लोगों की गाड़ी को गिरा लिए, गिराने के लोग जो थे उसमें से इलियास अहमद ख़ान को पकड़ के अपनी गाड़ी पे ज़बरदस्ती बिठा के ले लेके पीली दरगाह की तरफ निकले। जब तक जो सेकंड पर्सन था सैयद अली, उन डर के भाग गया, भाग के इमीडिएटली पुलिस को कॉल करा। और ये लोग क्या करे, ये इलियास अहमद ख़ान को ले लेके पीली दरगाह के कब्रस्तान को ले आके वो मारे बच्चे को। मारने के बाद ये जो इसमें इन्वॉल्व चार लोग थे, उसमें A1 अब्दुल अज़ीज़ नहदी है, A2 उमर बिन हसन है, A3 अली बिन हुसैन जैदी है, A4 अदनान बिन शफी है। मारने के बाद इसमें से भी कुछ लोग क्या है, अब इसका पोजीशन सही नहीं दिख रहा, मार दिया ऐसा दिख रहा बल्कि, कि भाई को कॉल करें, A1 के अब्दुल अज़ीज़ नहदी के भाई को कॉल करें। और जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई, हम लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे थे। जब तक इला क्या करें बोलते, वहाँ से फिर पीली दरगाह से फिर बालापुर की तरफ ले गए, वहाँ ले आके वहाँ मारे। मारते अब क्या बोलते, वहाँ पे बाजू में लकड़ियाँ थे, सेंटरिंग के लकड़ियाँ थे, सेंटरिंग की लकड़ियों से सर पे मारते, सर खुल गया बच्चे का, वो इलियास अहमद ख़ान का। और इसके पास एक सेलफ़ोन था, एक सैमसंग की स्मार्ट वॉच थी और एक 4000 रुपये कैश था, ये पूरा खींच लिए। उतने में बच्चे का भाई आया, उसको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। बहरहाल सांस ने पलट रही थी बच्चे की, तो बच्चे को हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। वहाँ से फिर उस्मानिया ले आना पड़ा, उस्मानिया में बच्चा रिकवर हो रहा। तो आज 20 तारीख के दिन ये अब्दुल अज़ीज़ नहदी, उमर बिन हसन, अली बिन हुसैन जैदी और अदनान बिन शफी को क्या बोलते हैं, ये अपने SI कृष्णैया के साथ PC विजय, PC प्रशांत और PC सत्यनारायण मिलके लोग चारों को अरेस्ट करें और इन चारों को A1 to A4 को आज रिमांड को भेज दे रहा। इसमें क्या है, एक किडनैप का सेक्शन है 365, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन है 307 और एक रॉबरी का सेक्शन है 392। ये एक्चुअली क्या है बोले तो, अब्दुल अज़ीज़ नहदी जो A1 है उसका एक बच्ची के साथ अफेयर था। तो वो बच्ची क्या बोलते, अब फिल वक्त क्या है, नो बोल के बोल दी, बोलने के बाद भी उन जाके पीछा कर रहा था बच्ची, यहाँ से शिफ्ट होके शालीबंडा चले गई। शालीबंडा में जाके वहाँ पर बच्ची को सता रहा था, तो वहाँ के लोकल बच्चे जो है उसको ऑब्जेक्ट करे, उसमें से इलियास अहमद ख़ान भी था। तो इलाके लड़ाई हुई, तो वहाँ पे अब्दुल अज़ीज़ नहदी के कॉम्प्लेंट पे शालीबंडा PS में 125/19 में 324 केस भी हुआ, जिसमें इलियास अहमद ख़ान क्या बोलते अक्यूज है। तो वो केस के काउंटर में ये लोग ये बदला लेने के लिए यहाँ पे बच्चे को किडनैप करके मारने की कोशिश कर रहे हैं।